खोजाओगे राधा गोरी ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। उतर कर अंबर से तारे झिलमिल झिल मिल कर प्यारे है सुंदर राज कुंवर बनकर वास करते हैं हिल मिल सारे। ये कितना दिव्य नजारा है, प्यारा स्वर्ग हमारा है। राधा पूछे श्याम से, हो राधा पूछे जैसे दिन और चांद जैसी रात है, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात है। ओ, हीरो के महल से जवाहर की बरसाते हैं, सिर पर मोर मुकुट धारे, बेकल कल जमुना किनारे। है सुंदर राज कुंवर बनकर रास करते हैं हिल मिल सारे। ओ राधा पूछे शाम से, कह दो कन्हा कैसा मौसम है। ओ सुन के खो जाओगे राधा गोरी ऐसा मौसम है। मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है, ओ पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है। फसा में हम मन के गुब्बारे, दिशा में खुशी के फुवारे। है सुंदर राजकुमार।
बनाने ऐसी किसने पुकारा है, दुनिया बनाने ऐसी किसने पुकारा है, बेहद गगन हो जैसे मिलता इशारा है। सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है, ओ ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। कौन था ये? कोई दिव्य प्रकाश था, महाशक्ति थी। वत्स, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। धरती पर बिखरे हुए लोगों, अद्भुत रंगों के त्योहार में मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हे मनुष्य, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर यदि इस घटना को घटने की भनक आपके कान में पड़े तो सचेत हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि शायद उसके बाद आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा। वर्ष 2022 पूरी दुनिया के लिए एक नए प्रकार की आफत लेकर के आया है। सारे देश में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया। गैस आपूर्ति बाजार को अपने हाथ में लेने के लिए दो बड़े महाशक्ति वाले देश के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है, जो बाद में तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा और यह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा चोट पहुंचा देगा। आज दिनांक 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस का यूक्रेन पर हमला दे रही है तीसरे विश्व युद्ध की आहट,
जैसे जैसे रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुसती चली जाएगी, ठीक वैसे वैसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट और तेज सुनाई पड़ने लगेगी। अब जैसे जैसे यह युद्ध बढ़ता चला जाएगा और रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुसती चली जाएगी, वैसे वैसे अमेरिका के द्वारा यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन, जापान और अन्य देश रूस के ऊपर सख्त प्रतिबंध लगाते चले जाएंगे। इस कारण आने वाले समय में रूस की इकोनॉमी हो जाएगी काफ़ी कमज़ोर, अर्थात 2022 में रूस के अर्थव्यवस्था पर पहुंचने वाली है बहुत बड़ी चोट। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने रूस के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका ने कर दिया है रूस पर हमला। अब जैसे जैसे रूस यूक्रेन पर और ज़्यादा बल का प्रयोग करता चला जाएगा, वैसे वैसे अमेरिका रूस को सिलिकॉन वैली से निकाल बाहर करने का योजना बनाने लगेगा। सिलिकॉन वैली का अर्थ होता है जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो हथियार में और अन्य चीज़ों में प्रयोग किया जाता है उसको भी रूस को अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। ब्रिटेन और फ्रांस यह भी योजना बना रहा है कि रूस को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया जाए। स्विफ्ट का अर्थ होता है कि हम और आप बैंक में जो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटेन और जापान रूस को इस संगठन से बाहर निकाल देने की योजना बनाएगा। जैसे जैसे रूस यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रूस पर प्रतिबंध और भी सख्त होते चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में रूस को एडवांस टेक्नोलॉजी का नुकसान होगा, फाइनेंस का नुकसान होगा, एक्सपोर्ट का नुकसान होगा, यानी कि हर प्रकार से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। धर्मशास्त्र यहेजकेल अध्याय 38 का श्लोक 4 या भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर ने कहा कि रूस की नाक में नकेल डालकर मैं रूस को इजराइल में ले आऊँगा। धर्मशास्त्र यहेजकेल अध्याय 38 का श्लोक 4 खुल्लम खुल्ला भविष्यवाणी किया कि मैं तुम्हें घुमा ले आऊँगा और तेरे जबरे में आंकड़े डालकर तुझे निकालूँगा। कहने की बात यह है कि जानवर जब कहीं ले जाया जाता है तो वह अपनी मर्जी से नहीं जाता, बल्कि वह जबरदस्ती वहां पर ले जाया जाता है। इसलिए आने वाले समय में रूस के ऊपर एक बहुत बड़ी मजबूरी आएगी, यानी कि रूस को मजबूर होकर इजराइल के खिलाफ जाना होगा और उससे लड़ना होगा। धर्मशास्त्र यहेजकेल अध्याय 38 का श्लोक 10 यह कहता है कि उस दिन तेरे मन में ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि बुरी युक्ति क्यों आएगी, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि रूस को सब तरह से लॉस हो रहा है। धर्मशास्त्र यहेजकेल अध्याय 38 का श्लोक 13 यह कहता है कि सवा और ददान के लोग और तसीस के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, ढेर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठा की है? यूरोप का देश या अमेरिका या जो पूरे यूरोप का देश है और अमेरिका के व्यापारी सभी मिलकर रूस से पूछेंगे कि क्या तुम संपत्ति लूटने के लिए आते हो? क्या बहुत बड़ी चीज़ों को लूटने के लिए इजराइल में आ रहे हो? आज इस तरह की परिस्थितियां बन चुकी है। अब जब अमेरिका रूस को सिलिकॉन अवेलेबल करने पर रोक लगा देगा, तब इजराइल ही एक ऐसा देश है जहां पर सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए यहेजकेल यह कहता है कि रूस के मन में एक बुरी युक्ति उठेगी, क्योंकि इजराइल के पास गैस तथा सिलिकॉन का बहुत बड़ा भंडार है। रूस के राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी कि रूस की सेना को इजराइल के खिलाफ लड़ाई करना पड़ेगा। इजराइल के ऊपर जो देश आक्रमण करेगा उसमें पहला नाम है फारस का, अर्थात पर्सिया का। वर्तमान समय में पर्सिया को ईरान देश के नाम से जाना जाता है। ईरान और इजराइल का युद्ध आने वाले समय में अवश्य ही होगा।
रूस के ऊपर जितना भी अधिक प्रतिबंध लगता जाएगा, लड़ाई की संभावनाएं उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। हे मनुष्य, 2022 में फिर से टूटेगी ख्वाहिश, महामारियां फिर से आएगी और जिस देश या जिस स्टेट में सबसे अधिक वैक्सीनेट हुआ है उस देश या उस स्टेट में सबसे ज़्यादा महामारियां फैलेगी और सबसे ज़्यादा लोग मरेंगे। आप यदि वैक्सीन लगवा लिए हैं तो ये मत समझना कि आप सेफ हैं। आप अपने इम्यून सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करो। जब भगवान कल की चुने हुए लोगों को लेने के लिए आएंगे तो उनके आने से पहले राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, लड़ाई और लड़ाई की चर्चा होगी, महामारियां फैलेगी तथा सुनामी और भूकंप आएंगे। हे मनुष्य, जब तक आपका ध्यान और मन ईश्वर के वचन पर नहीं लगा है तब तक शैतान भेड़िए की तरह आपको मारने और फाड़ने के लिए तैयार खड़ा है। अगर यदि आप शैतान के धोखे से बचना चाहते हैं तो आपको ईश्वर के वचन पर इतना अधिक ध्यान लगाना होगा जितना कि आप पूरे जिंदगी में कभी भी ध्यान ना लगाया होगा। आदि श्री अरुण आपसे यह कहता है कि शैतान के नियंत्रण में जो लोग हैं और जो लोग बोलते हैं उनसे चौकस रहना। अब आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो और किससे सुनते हो। यदि आपके अंदर परख की आत्मा नहीं है तो आप भटक सकते हैं और शैतान उसका फायदा उठा सकता है। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।